आपका क्वेश्चन है, अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 2.5 मीटर एंड डायमीटर 20 मीटर सरमाउंटेड बाई अ कोन ऑफ इक्वल बेस एंड हाइट 7.5 मीटर. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टेंट एंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट ₹100 पर स्क्वायर मीटर. नाउ तो ये देखो इसने क्या बोला है कि हमारे पास में एक टेंट है, टेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ कोन. एक सिलेंडर है सरमाउंटेड बाई अ कोन, दैट मीन्स आपका कैसे है, इट इज इन दिस फॉर्म. ठीक है, तो ये देखो आपका सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ कोन. ठीक है, अब इसके मेजरमेंट क्या दिए हैं, फिर से देखो, सिलेंडर ऑफ हाइट 2.5 मीटर्स, तो दैट मीन्स दिस h इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स. फिर क्या दिया है इसने, डायमीटर इज 20 मीटर्स, तो दिस इज योर डायमीटर, तो d इज इक्वल टू 20 मीटर. तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज इक्वल टू वी कैन से इट्स 10 मीटर. ठीक है, नाउ फिर देखो आगे क्या बोला है इसने, सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ इक्वल बेस, दैट मीन्स दिस बेस इज इक्वल. तो यहां पर अगर रेडियस इज 10 तो ये रेडियस भी कितना हो जाएगा हमारा 10, तो वी कैन से r इज इक्वल टू 10 मीटर. फिर क्या बोला है इसने, एंड हाइट इज 7.5 मीटर, हाइट हाइट इज दिस, तो दिस इज द हाइट. तो यहां पर हमने h लिया है, यहां पर हम कैपिटल h ले लेंगे, तो वी कैन से कैपिटल h इज इक्वल टू 7.5 मीटर. इसने देखो क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड द कैपेसिटी. तो पहले हम कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ दिस टेंट. तो वॉल्यूम ऑफ दिस टेंट क्या होगा हमारा, कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिखो. तो फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड कैपिटल एच है ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर एंड स्मॉल एच. नाउ ये दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन इज पाई आर स्क्वायर, तो सेम चीज हम लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर इज कॉमन, तो यहां पर आ जाएगा 1/3h प्लस और यहां पर आ जाएगा स्मॉल. नाउ अब इसकी वैल्यू आप इसमें डालो, तो देखो आपका क्या आ रहा है, तो वी विल टेक पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स 10 स्क्वायर इज 100, और ब्रैकेट के अंदर क्या है देखो, कैपिटल h बाय 3, तो कैपिटल एच क्या है, 7.5/3 प्लस स्मॉल एच इज 2.5. ठीक है, ये देखो कट रहा है आपका, तो हमने कट किया, तो यहां पर आपका आ गया 2.5, तो 2.5 प्लस 2.5 इज 5. तो अब आपकी वैल्यू क्या आ गई देखो, 22/7 इंटू 100 इंटू 5. ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ गया 500 एंड इसको आपने पाई ले लिया, तो पाई पाई मीटर क्यूब. अगर आपकी वैल्यू ये नहीं है 500 पाई मीटर क्यूब, तो आपकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पॉइंट होगी, तो वो आपका क्या आएगा देखो, दैट इज इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 500 इंटू 22, दैट मीन्स क्या हो गया आपका 110
and two zeros by 7, that is equal to, now अब 7 के साथ divide करो, तो 11 है, 11 means 1 times, तो आपका बच गया 4, तो 4 0 40, that means 5 times, फिर बच गया आपका 5 0 50, that means 7 times, फिर बच गया 1 0 10, that means 1 times, फिर 3 0 30, तो पॉइंट लगा दिया हमने, 3 0 हो गया, दैट मीन्स आपका 4 times is 28, फिर 2 0, तो राउंड फिगर इट इज 21, दैट मीन्स 3, तो वी कैन टेक 1571.43 मीटर क्यूब इज द कैपेसिटी, तो या तो ये आंसर ये है आपका और ये है, ठीक है। नाउ आगे देखो इसने क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास, तो अभी आपको कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालना है, तो वॉल्यूम से आप नहीं निकाल सकते क्योंकि इसने क्या दिया है, देखो 100 पर स्क्वायर मीटर, दैट मींस एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, देखो एरिया क्या होगा आपका, जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, दैट मींस सीएसए ऑफ अ, क्या है ये आपका, सीएसए ऑफ अ कोन प्लस सीएसए ऑफ अ सिलेंडर, तो वी विल राइट दैट ओनली, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर, तो सीएसए ऑफ कोन क्या होता है हमारा, 1/3 πr²h, है ना, नहीं क्या होता है, पाई आर एल, तो दिस इज योर पाई आर एल प्लस 2πr(h). यू कैन सी पाई आर इज कॉमन, तो हम सेम चीज लिखेंगे, पाई आर, तो यहां पर बच गया l और यहां पर बच गया 2h, ठीक है। हमारे पास सब वैल्यू है इसकी एक्सेप्ट द l, तो l क्या होता है आपका, दैट इज योर स्लैंट हाइट, है ना, तो दिस इज योर स्लैंट हाइट l, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो नाउ वी कैन से l इज नथिंग बट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो r स्क्वायर इज 10 स्क्वायर इज 100 प्लस h स्क्वायर, तो h स्क्वायर 75 × 75 करने से अच्छा है आप 7.5 को कैसे करेंगे, 75/10, दैट इज, और 5 से कट कर दो, यू विल गेट 15/2, तो 15/2 के हिसाब से करो, तो 15² = 225 एंड 2² = 4, तो नाउ यू कैन सी 4 इज द एलसीएम, है ना, तो एलसीएम इज क्या आ गया आपका, 4, तो यहां पर क्या हो गया, 400 + 225, That is 625/4. तो now we can say L is equal to √625/4. 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 25 का, तो 25/4 is 2, और you can write it as 12.5 meters, तो L is 12.5. Now put these values here. तो देखो आपका क्या आ रहा है, पाई इज 22/7 इनटू आर, आर इज 10 और ब्रैकेट के अंदर क्या है, एल इज 12.5 प्लस 2 h, तो 2 × 2.5 = 5, दैट इज इक्वल टू 22/7 इनटू 10 इनटू 12.5 + 5 = 17.5, ठीक है। तो ये तो आपका एरिया आएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बट इसने क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट, तो एट द रेट ऑफ ₹100, दैट मींस कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, दिस इंटू 100, है ना, तो वी विल सिंपली राइट 100 इंटू
ये वैल्यू को आप देखो सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो कितना आ रहा है, 7 से कट कर दो तो ये हो गया आपका 2.5. 2.5 इंटू 10 इज 25, 25 इंटू 22 दैट वी विल राइट हियर, 25 इंटू 22. ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, 25 इंटू 22 तो दैट मीन्स इट विल कम एट 20 मीन्स 550. तो यू विल गेट हियर 550 and 2 zeros रुपीज. तो दिस इज योर आंसर. ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको करना.